हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्लीवलेस सूट की कटिंग। ये हमारा कपड़ा है, इसे मैंने फोर फोल्ड में बिछा लिया है इस तरह से। देखिए, ये मैंने इसे फोर फोल्ड में इस तरह से रख लिया है। अब ये जो हमारा कपड़ा है, इसे ऊपर हमारा बड़ा छोटा है, तो इसे हम बराबर कर लेते हैं। इस तरह से हम स्केल की मदद से इसे बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से हम मेजर करना शुरू करेंगे। तो पहले हम निशान लगाते हैं तीरा का। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूँ, ये जो हमारा कपड़ा है, मैं मुझे ये पूरी फुल लेंथ में चाहिए, तो आपको जितना भी लेना है उतना आप रख सकते हैं, मुझे ये पूरी चाहिए। अब हम लगाएंगे तीरा का निशान। तो स्लीवलेस से तो पट्टी मुझे ऊपर की चौड़ी चाहिए, इसलिए मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। जब हम 6 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से इसे बराबर कर लेते हैं। इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान मैं लगाऊंगी 14 इंच पे। हिप का निशान लगाएंगे 21 इंच पे। इस तरह हमने 21 इंच पे हिप का निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से आप बराबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह। फ्रंट का निशान लगाएंगे, तो फ्रंट हम लेंगे 6 इंच। आप हल्का ज़्यादा भी ले सकते हैं 2 पॉइंट। तो इस तरह से आप 6 इंच पे निशान लगा लीजिए, या चाहो तो आप 2 या 3 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लें स्लीवलेस से, इसलिए नहीं तो क्या है, थोड़ा सा डीप हो जाता है तो वो बाजू से दिखने लगता है, इसलिए। तो इस तरह से मैंने ले लिया है 6 इंच 2 पॉइंट पे, और लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो मेरा जो चेस्ट है वो 38 है, तो उसका मैं हाफ लगाऊंगी, 3/4 लगाऊंगी, सॉरी। तो 9.5 पे मैंने निशान लगाया है। फिर कमर का निशान लगाएंगे 8.5 पे। हिप का निशान लगाएंगे 10 इंच पे। अब नीचे भी मुझे बराबर ही चाहिए, तो नीचे भी मैं लगाऊंगी 10 इंच पे। अब इसे हम स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से अब सेब पट्टी से हम चेस्ट, वेस्ट और हिप को मिलाएंगे। तो पहले हम चेस्ट और वेस्ट को मिला लेते हैं इस तरह से। और आपको अब जितना भी मार्जिन चाहिए उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा कपड़ा ले लीजिए और निशान लगा लीजिए इस तरह से। हमें निशान लगा लेना है। अरे, जो कॉर्नर है इस पर हम हल्का सा कर्व शेप देंगे ताकि इसकी फिटिंग अच्छे से आए कमर की। अब आ जाते हैं हम आर्म होल पे। तो जो आर्म होल है हमारा, हमें बैक साइड के मेज़र से कट करना है इसे। तो 1 इंच पे इस तरह हम निशान लगा लेंगे और इसे बराबर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कप शेप दे देते हैं। इस तरह से हमने कप शेप दे दिया। अगर आप चाहें तो 1/2 इंच डीप करके भी कट कर सकते हैं, अगर आपको डीप पहनना पसंद है तो। तो इस तरह से आप 1/2 इंच डीप करके भी और कट कर सकते हैं। अब हमें गले का निशान लगाना है। तो गला हमारा 5 इंच पे रहेगा, तो हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे।
आपको जितनी ये ब्रॉड चाहिए आप उस हिसाब से गला रख सकते हैं। और जो फ्रंट डीप है मेरा 6.5 इंच है, इधर आप 6.5 इंच पे इस तरह निशान लगा लीजिए। आपको जितना डीप चाहिए उतना। अब इसमें भी मैं राउंड शेप दे दूँगी। मैं राउंड शेप दे दिया। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। सॉरी, कटिंग करने से पहले हमें शोल्डर डाउन करना है, तो हल्का सा हम शोल्डर डाउन कर लेते हैं। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। गले पे, नेक पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि सिलने में हमें आसानी हो। देखिए इस तरह से मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है। ये हमारी स्लीवलेस सूट की कटिंग हो चुकी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।